और आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। दोस्तों, जबलपुर में तीन दोस्तों की बाइक में रेस लगाने की वजह से जान चली गई है और उनका एक दोस्त अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। दरअसल ये चारों दोस्त अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे। वहां से लौटते वक्त ये चारों दोस्त दो बाइक में नर्मदा दर्शन के लिए जा रहे थे। रात का वक्त था और सड़कें सूनी थी, जिसकी वजह से बाइक की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। 80 से 90 की स्पीड में ये लोग बाइक चला रहे थे। इसके बाद बाइक अनियंत्रित होकर सबसे पहले तो स्ट्रीट पोल से टकराई, उसके बाद डिवाइडर से जाके टकराई, जिसकी वजह से दो दोस्तों की सिर पर चोट लगने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद एक साथी की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। एक साथी अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। रात के वक्त जब यह हादसा हुआ तब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने इनके परिजनों को हादसे की जानकारी दी। परिजनों को तो यकीन ही नहीं हुआ, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे के वक्त किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था और यह हादसा रात के करीब 12:15 पर हुआ है। मारे गए इन बच्चों के नाम हर्ष उर्फ हर्षित बर्मन, जिनकी उम्र 17 साल है, समीर उर्फ चंबू झारिया, जिनकी उम्र 18 साल है, ललित देहरिया, जिनकी उम्र 19 साल है। इनका एक और साथी जिसका नाम है कृष्णा मेहरा, जिसकी उम्र 17 साल है और उसका इलाज इंदौर के मेडिकल हॉस्पिटल में चल रहा है। ये घटना खंडारी पुल के पास हुई है। वहाँ पर रोड समतल नहीं है, रोड में उतार चढ़ाव है, चढ़ाव के साथ ही मोड़ है और बाइक में स्पीड होने की वजह से ये लोग खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए और हादसे का शिकार हो गए। जिनमें से हर्ष और समीर की रात के वक्त हादसे के समय ही मौत हो गई थी और इनके एक तीसरे साथी ललित की आज जबलपुर के मेडिकल हॉस्पिटल में मौत हो गई है। चौथा साथी अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है।